नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी मसाला। ये हम बहुत ही सिंपल तरीके से और कम मसाले में और कम ही तेल में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी हमारी ये भिंडी बनके रेडी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, हमने ये कढ़ाई ले लिया और उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ यहाँ पर। और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसे मैं सारी कढ़ाई में फैला लूँगी इस तरीके से। तो देखिए, तेल जो है हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी एक छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें अजवाइन, आधी छोटी चम्मच राई, और इनको हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तो ये हमारे जो जीरा राई हैं, ये अच्छे से भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी भिंडी। देखिए, भिंडी मैंने इस तरीके से काटी है, आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे काट सकते हैं। तो लीजिए, अब इन्हें हम तेल में मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह चलाते हुए यहाँ पे आप गैस की फ्लेम को स्लो रखें। यहाँ पे हमने भिंडी को पहले तेल में फ्राई नहीं किया है, इसी तरह से ये फ्राई भी हो जाएगी अच्छे से। तो चलिए, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसमें प्याज। यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए हैं ये, और इनको भी हम इस तरह से मिक्स करते हुए भिंडी के साथ ही भून लेंगे। देखिए इस तरह से। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख पाएँ। तो चलिए, हमने अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया और भून लिया है 2 मिनट तक। अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च कटी हुई, इनको भी हम इसमें ही अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए, आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। आप जब इन्हें 2 मिनट तक इस तरह से भूनेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर, और ये 1 छोटी चम्मच लिया है मैंने, 1 से 1.5 छोटी चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर। और इन्हें हम बस यही मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए, गैस की फ्लेम जो है यहाँ पे स्लो होनी चाहिए, और इन्हें आप मसाले में अच्छे से लपेट दें। अच्छी तरह सारा मसाला मिक्स हो जाना चाहिए। तो चलिए, अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसका ढक्कन उतार के देखते हैं। तो चलिए इन्हें चला के देखते हैं। तो देखिए, अपनी भिंडी पहले कितनी बढ़िया लग रही है, कितना बढ़िया कलर आया इनका। तो इन्हें हम इस तरह से हल्के हाथ से चलाएँगे। आप कोई इस तरह का पलटा या कोई भी चम्मच लें जिससे ये मैश ना हो पाए। तो इन्हें हम 2-3 मिनट के लिए और ढक देंगे। देखिए, भिंडी जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है, प्याज भी हमारा अच्छे से भून गया है, कुक हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर मैं ये टमाटर वाली भिंडी बना रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर बीच में मैं टमाटर डाल के, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, और इनको भिंडी से इस तरह से ढक दूंगी और इन्हें 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 2 मिनट के बाद देखिए, हमारे टमाटर हैं जो ये सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इन्हें चला के देखते हैं। देखिए, देखने में कितने सुंदर दिख रही है सब्जी, और खाने में उतने उससे भी ज़्यादा टेस्टी है ये। एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा। तो चलिए, हमने इन्हें मिक्स कर लिया, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच लिया गरम मसाला, और इसे हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आप
टमाटर या नींबू नहीं डालना चाहें तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल सकते हैं गैस की फ्लेम बंद करके। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और ढक दूंगी ताकि जो सारे गरम मसाले का फ्लेवर है अच्छे से आ जाए सारी सब्ज़ी में। तो लीजिए हमारी सब्ज़ी है जो बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और कितना परफेक्ट हमारी सब्ज़ी का जो है टेक्स्चर है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसमें मैं ऐड करूंगी आधे नींबू का रस। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। नींबू का रस डालें तो हमेशा गैस बंद करके डालें वरना सब्ज़ी का टेस्ट जो है कड़वा हो जाएगा। तो लीजिए नींबू का रस डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। तो देखिए सिर्फ 10 मिनट में हमारी कितनी टेस्टी मुंह में पानी ला देने वाली चटपटी भिंडी रेडी है। आप इन्हें देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया। तो आप इसे परांठे के साथ रोटी के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कम तेल में और कम मसालों वाली हमारी ये टेस्टी भिंडी बन के रेडी हो गई है। तो लीजिए मैंने इसे कर दिया सर्व। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.